अरे दिव्या, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं भैया, वो धूप अच्छी निकली थी आज, इसलिए बाहर चली गई थी। धूप अच्छी निकली थी तो क्या हुआ? मैंने तेरे को समझाया था ना उस दिन कि कहीं पे भी तुझे नहीं जाना है, उसके बाद भी तू बाहर गई थी। भैया आपने मुझे कहीं बाहर जाने से मना किया था, अब अपने ही घर की बालकनी में भी नहीं जा सकती क्या मैं? दिव्या देखो सुनो, मैंने किसी चीज की अगर तुमसे मना करी है ना तो बहुत सोच समझ के मना करी होगी, और मैं घर में था भी नहीं, अभी अभी मैं घर में आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुम बाहर खड़ी हुई थी। सॉरी भैया, आप नहीं जाऊंगी, बालकनी में भी नहीं जाऊँ, तुम खुशी मिलेगी ना आपको, ठीक है बालकनी में भी नहीं जाऊंगी। अब कुछ अगर आप बोलोगे कि कंपनी से बाहर मत निकलियो, यहाँ पे भी मत आइयो, तो मैं यहाँ पे भी नहीं आऊंगी। मुझे पहले एक बात बताओ, कोई आया तो नहीं था जब मैं घर से बाहर गया था? किसी को छुपाया तो नहीं है तुमने बालकनी में? मैं क्यों छुपाऊंगी भैया किसी को? आपको इतना ही भरोसा है अपनी बहन के ऊपर? आपको लगता है कि मैं घर में किसी को आपके पीछे से चुपचाप बुलाऊंगी और उसकी बात छुपा दूंगी? आप एक काम करो, जाओ जाके तो बालकनी चेक करके आओ, अगर किसी को छुपाया होगा तो वहीं पे तो होगा ना। तुम्हें पता है मैं बहुत देर से नीचे गेट खटखटा रहा था पर तुमने गेट नहीं खोला, मेरे को ना इतनी फिक्र हो गई कि मैं गाड़ी में गया और जो डुप्लीकेट चाबी है ना घर की उससे गेट खोल के अंदर आया हूँ, और जब मैं ऊपर आके देख रहा हूँ तो पता चल रही है कि तुम बाहर से आ रही हो अंदर। भैया मैं आपको बताती हूँ, मैं ना बाहर धूप अच्छी निकली थी तो मैं बाहर खड़ी हुई थी, और मैंने ना हैंडसफ्री लगाए हुए थे, गाने सुन रही थी, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब खटखटा रहे थे। और उसके बाद में मुझे याद आया कि मुझे ना पढ़ना भी है, वो मैं निकाल के अंदर ही आ रही थी, इतने में मैंने दिखा आप बैठे हुए हो, मुझे खुद समझ नहीं आया कि आप अंदर आए कैसे बिना चाय पी के। अच्छा देख सुन दिव्या, मैं तुझे बहुत प्यार समझा रहा हूँ, उस दिन मैंने तुझे लास्ट वार्निंग देके छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने मुझसे ये बोला था कि वो लड़का तेरे पीछे पड़ा है, तेरा उस लड़के से कुछ नहीं है, और मैंने उस लड़के को भी समझा दिया है, मेरे ख्याल से वो लड़का भी पीछे हट गया होगा, पर तू ऐसे बार बार बाहर जाएगी ना और अगर वो लड़का यहाँ से गुजर रहा होगा तो पता है उसे ये लगेगा कि तू अभी भी उसके साथ रहना चाहती है और कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा जो तेरे लिए भी दुखदाई होगी और मेरे लिए भी दुखदाई होगी। या मैं उसके साथ में कल भी नहीं रहना चाहती थी, आज भी नहीं रहना चाहती और आगे भी नहीं रहना चाहती, तो जब मैं उसके साथ कभी थी नहीं तो उसको ऐसा क्यों लगेगा मुझे देखकर? पर फिर भी आपकी तसल्ली की ना, मैं नहीं जाऊंगी बालकनी में, अब अभी आप ना शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो, बैठो मैं ना आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ, आपका ना गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ठीक है सुन, अगर अब की बार तेरा कोई भी केस सामने आ गया ना, तेरी बिना सोचे समझे ना शादी करा दूंगा, चाहे तेरी कितनी भी उम्र हो, समझ में आ रही है? चल जा अंदर। रुकिए भैया, भैया भैया मैम साहब ना आपकी आंखों में धूल ढोक रही है, ये नमूना देख रहे हैं ना, अभी इसे मैंने ऊपर से जाते हुए देखा और नीचे पकड़ लिया। ऊपर से जाते हुए देखा? ऊपर से कैसे जा सकता है ये विवेक? अरे भैया ये तो मैं सोच रहा था ऊपर से कैसे जा सकता है, वो तो मैंने चुपके चुपके इन दोनों को देखा, मैम साहब ने पहले रस्सी ऊपर से डाली फिर ये ऊपर से उससे लटक के आया, ये देखिए मैम साहब ने रस्सी डाली और ये ऊपर से लटक के आया, कौन से निवाल करनी थे, इस वाली से कि ऊपर वाली से? इसी वाली बात में से भैया, जब आप नीचे गेट बजा रही थी ना तो तब ये ऊपर से आया। क्यों दिव्या, का मतलब तुम बाहर इसको नीचे भेज रही थी, तुमने मेरी गैर आचरी में इसको हमारे घर में बुलाया? सोनी भैया वो आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे थे और हम मिल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए बात थे नहीं तो मैंने उसको घर पर बुला लिया। सॉरी भैया आज के बाद नहीं होगा, माफ कर दीजिए। अरे क्या नहीं होगा आज के बाद, क्या नहीं होगा कि जो उस दिन मैंने लास्ट वार्निंग दी थी ना और तूने क्या बोला था कि मेरा इस लड़के से कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ करता है ये लड़का ही करता है, अब तू मुझे एक बात बता कि बंद घर में ये लड़का अंदर कैसे आया? सॉरी भैया वो तो मुझे कहना पड़ा था क्योंकि आप इतना गुस्सा हो रहे थे, अगर मैं आपको सच बताती ना तो आप तो मुझे मार ही डालते, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। तो हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं भैया, और ये पूरा लड़का नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे इसके बारे में, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर आप मेरे बड़े भैया हो इसलिए मैं आपसे कुछ बोल नहीं पाई। भैया आप एक बार इससे बात तो करके देखिए, पता है इसने मुझे बताया था कि इसकी फैमिली भी ना बहुत अच्छी है और इसने अपने घर में मेरे बारे में सबको बताया है, अब आप एक बार बताइए अगर ये लड़का खराब होता तो मेरे बारे में घर में क्यों बताता है ना? अच्छा इतनी सारी बातें हो गई और मुझे कुछ पता ही नहीं था, एक बात बता अभी दो दिन पहले मैंने तेरा फोन तोड़ा था और तुझे इतना समझाया था, उसके बाद भी तूने इस लड़के को मेरे घर में एंट्री दे दी, कितनी देर से ये लड़का मेरे घर में? मैंने यहाँ पे 2 घंटे सो, और बस जब आप आए थे ना तो जल्दी जल्दी में मैं छत से रस्सी से उतर गया। वाह तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, मेरे घर पे सिक्योरिटी गार्ड होते हुए भी तुमने उसकी आंखों में धूल झोंक के मेरे घर के अंदर तक आ गए, मान गए तुम लोग कितने शातिर हो। मैंने तुझे उस दिन समझाया था ना कि मेरी बहन से दूर हो जा, मेरी बहन से कोई भी कांटेक्ट रखने की तुझे जरूरत नहीं है, उसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आई, मैं तुझे जब यहाँ से उठा के पुलिस के हवाले कर दूंगा तभी तुझे समझ में आएगी। अरे भैया आप हमारे रिलेशन के खिलाफ क्यों हो, आपको कितने पैसे चाहिए? अरे अच्छा दामाद चाहिए ना, अरे मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ, महीने का 60-70 हज़ार कमाता हूँ, अच्छा बिजनेस है हमारा, अरे एक बार फैमिली से बात करोगे ना तो फैमिली भी अच्छी खासी है,
पता नहीं आपने क्या फितूल पाल रखा है। और जो बोल रहे हो ना उल्टे सीधे लड़कों के साथ घूमता हूँ, आवारा लड़कों के साथ घूमता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शकल पे मत जाइए, मैं ना बहुत अच्छा हूँ। अच्छा तूने क्या बोला कि कितने पैसे चाहिए? मतलब तू मेरी बहन को खरीदना चाहता है? तेरा भाई यार हमेशा चुल करता रहता है, बात कर अपने भाई से। बात कैसे कर रहे हो? तुम मेरे बड़े भाई हैं, आज तक मैंने उनसे ऐसे बात नहीं की। तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? भाई जब रिलेशन में दरार डालेगा ना तो ऐसी बात करूंगा मैं, रोने को ना चाटा भी लगाऊंगा इसकी हिचके में। बात मेरी हिम्मत कैसे भैया से ऐसे बात करने की? तुम हाथ उठाओगे इनके ऊपर? तुम होते कौन हो मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने वाले? अगर ऐसी बात दोबारा की ना तुम्हारा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, आई बात समझ में? अरे बात बताओ, तुम तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें करते थे कि तुम्हारा परिवार मेरे परिवार, तुम्हारे भैया मेरे भैया, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये तुम्हारी इज्जत? ऐसे करते हो तुम इज्जत? अपने बड़े भाई से भी तुम ऐसे बात करते हो? या अगर तुम्हारे बड़े भाई से मैं ऐसे बात करूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? अब मुझे ना सब समझ में आ रहा है, मेरे भैया ना सही कहते थे कि तुम ना हमारे घर के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तभी से नहीं है बात करने की। और अब तो मुझे ऐसा लगता है तुमने मुझसे ना सबको झूठ बोला था। अरे तुमने मुझसे कहा था कि तुमने अपनी फैमिली में मेरे बारे में सबको बताया हुआ है, पर मुझसे तो आज तक किसी की बात नहीं कराई, तो मैं कैसे मान लूं? भैया आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपके अगेंस्ट जाके ये सब कुछ किया, प्लीज माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ना आपकी बात कभी भी नहीं डालूंगी। अगर मैंने आपका साथ शर्म से झुकाया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। देखा दिव्या, मैंने जो उस दिन भी समझाया था कि लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, और आज तेरे सामने सारी सच्चाई भी आ गई। वो तो सही वक्त पे विवेक ने ये सब होते हुए देख लिया तो इस लड़के को ऊपर ले आया वो, वरना ना तो ये लड़का ऊपर तक आता और ना इसकी पूरी सच्चाई तेरे सामने आती। तू बिल्कुल सही कह रही है कि इसने ही तो तुझसे बोला कि इसने अपनी फैमिली में सबको बता रखा है। क्या पता इसने बताया हो नहीं बताया हो, तूने अपनी फैमिली में सबको बता रखा ना। एक काम कर, अपने मम्मी पापा को फोन लगा और यहाँ पे बुला, मेरी बात करा उनसे। अरे नहीं, वो लोग तुम लोग से बात नहीं कर पाएंगे। दिव्या क्या क्या करवा रही हो? बोलो ना भाई मान जाए। क्यों नहीं कर पाएंगे बात? बोलना क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि तू इसे झूठे दिलासे दे रहा था। हाँ मैं झूठे दिलासे दे रहा था, और मेरा ना यही काम है, मैं अब से नहीं बहुत टाइम से यही करता आ रहा हूँ। मैं लड़कियों को ना इसी तरीके से प्यार के जाल में फंसाता हूँ और उनका पैसा लूट कर ना अच्छे टाइम पर निकल जाता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं आज जो गाड़ियों में घूम रहा हूँ ना वो उसी की बदौलत, ये जो काम कर रहा हूँ ना उसी का पैसा है जो आदमी मुझे गाड़ियों में घुमा रहा है। देखा दिव्या, ये है इसकी सच्चाई। पर सुन, मैंने तुझे उस दिन तो लास्ट वार्निंग देके छोड़ दिया था, पर अब ना अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब सीधे तू यहाँ से जाएगा पुलिस स्टेशन, और पुलिस वाले देखेंगे कि उन्हें तेरा करना क्या है, क्योंकि तूने अपना सारा सच तो उगल दिया। अब उनको तेरा सारा सच बताऊंगा और वही डिसाइड करेंगे कि उन्हें तेरा करना क्या है। अरे दिव्य भाई को समझाओ ना अपने। विवेक लेकर चलो इसे।